मथुरा के जमुनापार क्षेत्र में कॉलोनी वासियों ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का घेराव किया। मामला यमुनापार क्षेत्र के तिवारीपुरम का है, जहां सीवर लाइन के ओवरफ्लो होने से गंदा पानी घरों में घुस रहा था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो गुस्साए कॉलोनी वासियों ने शनिवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को रास्ते में रोककर उनका घेराव कर लिया। कॉलोनी वासी महिलाएं काफी संख्या में एकत्रित हो गईं और रास्ते में तखत और खटिया लगाकर उनके रास्ते को रोककर वहां पर खड़ी हो गईं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा यमुनापार क्षेत्र के तिवारीपुरम में शनिवार को गोपाल आश्रम अखाड़े पर एक कार्यक्रम में आए थे, तभी स्थानीय कॉलोनी वासियों ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का रास्ता रोका और उनका घेराव किया, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने गाड़ी से उतरकर कॉलोनी वासियों से बातचीत की। कॉलोनी वासियों ने कहा कि क्षेत्र में सीवर लाइन ओवरफ्लो होने से घरों में सीवर लाइन का पानी घुस जाता है, इसकी कई बार संबंधित अधिकारियों से उन्होंने शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद श्रीकांत शर्मा ने कॉलोनियों में जाकर कॉलोनी वासियों की समस्याओं को देखा और 20 दिन में समस्या का समाधान होने का आश्वासन दिया। इस दौरान हुई बातचीत में श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 20 दिन के अंदर कॉलोनी वासियों की समस्या का समाधान संपूर्ण तरीके से कर दिया जाएगा। वहीं कॉलोनी वासियों का कहना था कि इस तरह के आश्वासन उनको पहले भी मिल चुके हैं, अब देखना होगा कि लोगबाग इस तरह की समस्याओं से जूझते रहेंगे या फिर उनको कुछ राहत मिल पाएगी। यहाँ सीवर ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ STP जो बनी है उसकी टेस्टिंग चल रही है, तो उसमें अभी काम अधूरा है, थोड़ा टेस्टिंग का ये पूर्ण हो जाए। अभी मैंने नगरायक को आदेशित किया है कि हाँ, जो लोगों की समस्या है उसका तत्काल समाधान करें। 15 से 20 दिन में ये जो टेक्निकल जो खामियां हैं, ये क्यों सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, कौन कौन का इसमें STP जो बन रहा है उसकी क्षमता कितनी है, किस हिसाब से काम हो रहा है, वो सब चीज़ों का आकलन करके और यहाँ जो ओवरफ्लो हो रहे हैं सीवर, इनको बंद कराया जाएगा।